गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, नेशनल अवेकिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ओके, आफ्टर द रिवॉल्ट 1857 कैसे नेशनल अवेक हुआ, फिर बाद में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बने, इस के बारे में इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, द फ्रीडम स्ट्रगल 1857 वॉज फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज आर्म्ड स्ट्रगल अटेम्प्ट टू एंड द ब्रिटिश रूल। जो 1857 जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए, जो ऐसी हमारी पहले फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी जो कि हथियारों के बेसिस पे यानी कि युद्ध के बेसिस पे लड़ी गई थी। दिस स्ट्रगल वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी एज अ रिजल्ट फॉर सम टाइम देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर अमंग इंडियंस, येट द मेमोरीज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल रिमेंड अलाइव इन इंडियन माइंड्स। हालांकि ब्रिटिश आर्मी ने हमारे रिवॉल्ट को क्रश कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सो के मन में थोड़ी डीमोटिवेट हो चुके थे, बट लेकिन स्टिल वो मेमोरीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अभी भी इंडियन माइंड्स में अलाइव थी। द अवेकिंग विच टुक प्लेस फॉलोइंग द फ्रीडम स्ट्रगल डेवलप ए प्योर नेशनलिटिक फीलिंग अमंग इंडियंस। दे रियलाइज दैट देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश रिजाइन एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट ब्रिटिश वुड कंबाइन टू एक्सप्लॉइट इंडियंस। इंडियंस ऑल्सो रियलाइज दैट द यूज अनलेस दे वेक अप फ्रॉम द स्लंबर एंड वर्क विद फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट यूनिटी फ्रीडम नेशनलाइजेशन nationalism and country will remain under foreign rule. The realization filled the Indian hearts with the nationalistic feeling. अब जैसे ही अवेकिंग जो हुआ दिल में, मतलब इंडिया के पीपल्स में जैसे उनका मन अवेक हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्टिक फीलिंग आई थी, उससे एक चीज पता चल गई थी कि जो डिफरेंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट में या इंडियन गवर्नमेंट में काफी अलग है। ब्रिटिशर्स अगर इंडिया पे राज करते जाएंगे तो वो सिर्फ एक्सप्लॉइट ही करेंगे इंडियंस को, वो इंडियंस के कहीं वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं अब इंडियंस को सोचना पड़ेगा अपने आत्मसम्मान के लिए, फ्रीडम के लिए, अपनी नेशनलिज्म के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए उनको खुद ही उठना पड़ेगा और इनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। इनको कहीं ना कहीं अगर हम फॉरेन रूल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इंडियंस है हमेशा डिप्रूव्ड क्लासेस में ही रहेंगे, उनको हमसे दबाया ही जाएगा। सो द रीजन ऑफ द नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया, कौन कौन से रीजन थे जिससे कि नेशनल अवेकनिंग हुआ। तो सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल रीजन। इवन बिफोर द स्ट्रगल ऑफ 1857 The East India Company had take control of the entire India with the approval of Britishers government. भले ही 1857 का struggle से पहले ही East India Company ने Indian territories पर कब्जा कर लिया था with the permission of the British government. After the events of 1857, the company rule in India ended and the nation was directly placed under the control of the British government. हालांकि आफ्टर द इवेंट ऑफ 1857 जो भी रूलिंग पावर थी कंपनी से छीन कर वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली थी। इसका मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इंडिया रूल हो रहा था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन ऑर्डिनेंस इन 1858 विच एंडेड मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया बट इट डिड नॉट चेंज द प्लाइट ऑफ द इंडियन। हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस यानी कि एक लॉ पास हुआ जिसकी एम रखा गया था कि हम बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करेंगे, बट लेकिन वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल था, इंडियंस के लिए नहीं। द डिस्पैच फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया बोर एन एश्योरेंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर नेटिव रूलर दैट पास्ट मिस्टेक्स वुड नॉट बी रिपीटेड एंड देयर वुड नो बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन, बट द स्टेटमेंट ऑफ द एश्योरेंस वर नेवर फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि ऐसा स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वीन विक्टोरिया ने यह दिया गया था कि ना ही नेटिव रूलर जो इंडियंस के साथ है उनके साथ कुछ गलत बर्ताव होगा, ना ही उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ना ही जो लोकल इंडियंस है उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होगा। हालांकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था, इसको कभी भी फॉलो नहीं किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड एन यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री फॉर द सेक ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्पायर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री बनाया ताकि उनकी जो गवर्नमेंट है ज्यादा सिक्योर रहे। यूनिफॉर्म लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम वर एस्टैब्लिश, एक यूनिवर्सल लॉ या यूनिफॉर्म लॉ एस्टैब्लिश किया गया, इसके साथ साथ जुडिशियल सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया गया। द यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड अवेकनिंग अमंग द इंडियंस। अब जो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप किया गया,
वो कहीं ना कहीं इंडियंस को यूनाइट करता गया और उनको अवेक करता गया कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, हम इंडियंस के लिए कुछ भी ये अच्छा नहीं करेंगे। व्हाइल दिस यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन एम्पायर, इट प्रूव्ड टू बी एनकरेजिंग फॉर द नेशनल यूनिटी। और जो ये इन्होंने एक जो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक नियम निकाला कि हम अपनी एक मतलब यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक्ट पास करा कि सभी के लिए, जिससे लाइक कहते हैं कि सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम हो, तो कहीं ना कहीं उसमें इंडियंस को दिखने लगा कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को एडवांटेज देगा, ब्रिटिशर्स के लिए ही ये यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लागू किया गया, इससे इंडियंस को बेनिफिट नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इस लॉ की वजह से इंडियंस यूनाइटेड होते जा रहे थे। इसके बाद में रिलीजियस एंड सोशल रीअर्जेंस। ओके, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। द लीडर्स हू वर पॉइंटिंग एट दिस मोमेंट बिकम अ प्रोमिनेंट लीडर्स ऑन द पॉलिटिकल अवेकनिंग। अब जो रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने धर्म के रिलीजियस रिफॉर्म्स या फिर सोशल रिफॉर्म्स लाइक सत्य प्रथा हो गया, एजुकेटिंग गर्ल, उसके साथ साथ लाइक प्रथा सिस्टम, इनके लिए जिन्होंने काम किया, वो कहना कि अब पॉलिटिकल लीडर्स की तरह इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था। द लीडर्स, जैसे मैंने बोला, द लीडर्स हू पॉइंटेड दिस मूवमेंट बिकेम द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल अवेकनिंग। कहना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स बनना स्टार्ट हो गए जो कि एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे। दिस मूवमेंट डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द इंडियन कल्चर इन द हार्ट ऑफ इंडियंस। और ये कहीं ना कहीं मूवमेंट्स जो भी इन्होंने स्टार्ट किए थे, लाइक ब्राह्मण समाज हो गया, जो अलग अलग के बारे में बाद में बात करूंगा, जो सोशल रिलीजियस फॉर्मर्स थे लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, रामाकृष्ण परमहंस, इन्होंने जो भी मूवमेंट्स लेट किए, जिस डेवलप किए मतलब मूवमेंट्स को चलाया, उसकी वजह से कहना कि इंडियंस को अपने कल्चर्स की तरफ एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना हुई, वो अपने कल्चर से रिस्पेक्ट करने लग गए। ओके, उस समय राजा राम मोहन रॉय हो गए, रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बात कर रहे थे, राजा राम मोहन रॉय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, रामकृष्ण परमहंस, ये सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स बनते इमर्ज होते नजर आ रहे थे। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ 19th सेंचुरी वर बेसिकली रिलीजियस इन नेचर, येट दे हैड द इंक्लूजन ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स इन देम। इन एडिशन टू स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज इन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, देर वर मेनी मोर सच मोमेंट्स विच नेशनल ओड इट्स रीअवेकनिंग। अमंग मुस्लिम्स देयर वर अलीगढ़ एंड दियोबंद मूवमेंट्स, अमंग सिख्स देयर वर सिंह सभा एंड गुरुद्वारा रिफॉर्मिंग मूवमेंट्स एंड थियोसोफिकल सोसाइटी मूवमेंट्स विच चेंज द सोसाइटी एंड इट्स थिंकिंग, दिस मूवमेंट्स मेक फ्यूचर जनरेशन रेडी फॉर द लीडरशिप ऑफ द नेशन। और ये मूवमेंट्स जो डिफरेंट लीडर्स लाइक रामकृष्ण मिशन हो गया या आर्य समाज का जो मूवमेंट जो इन्होंने स्टार्ट किया, इससे इंडियंस के अंदर काफ़ी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आ रही थी, और जो अदर जो पीपल जो इनके साथ ज़्यादा वो हो रहे थे, इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये न्यू लीडर्स एंड न्यू जो फ्यूचर जनरेशन है वो लीडरशिप के लिए तैयार होती जा रही थी। ओके, ऑन पेज नंबर 139 कुछ ऐसे ही आसान लाइक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, लाइक आर्य समाज 1875 में स्टैब्लिश किया गया जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके साथ साथ सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले ने 1873 में स्टैब्लिश किया गया था, ब्रह्मा समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय 1828 में स्टैब्लिश किया था। सो देर वर वेरी वेरियस अदर मिशंस, रामकृष्ण मिशंस हो गया, आत्मय सभा हो गया, वेरियस मिशन जो कि डिफरेंट जो फाउंडर्स थे उन्होंने स्टैब्लिशमेंट किए, और कहीं ना कहीं रिलीजियस रिफॉर्म्स होने से न्यू पॉलिटिकल लीडर्स भी इमर्ज होने लगे। थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन एंड थिंकर। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न एजुकेशन या कल्चर जो का भी असर पड़ा कहीं ना कहीं नेशनल अवेकनिंग में। ओके, विद द इंटेंशन ऑफ द अपलोडिंग नेशनलिस्टिक फीलिंग्स फ्रॉम इंडियन हार्ट्स, लॉर्ड मेकर इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। हिज इंटेंशन इन स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश वाज टू डेवलप ए क्लास ऑफ पीपल हु कुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि लॉर्ड मैकॉय ने जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, कहना कि ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज से जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करना लॉर्ड मैकॉय की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं उस समय पीपल्स को काफ़ी बुरा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को छीन लेंगे, हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे।
तो भले लॉर्ड मैकॉले का इंटेंशन क्या था कि जो भी अब इंडियंस जो ब्रिटिश कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैथड्स पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें हमारा साथ देंगे और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में उनमें हमारा साथ देंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंस्पायर इंडियंस टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ फॉरेनर्स। बट इसका ये उल्टा हुआ, भले ही इंडियंस ने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी, इंग्लिश कल्चर्स पढ़ा, बट कहीं ना कहीं उनको एक बेटर वो सोच मिली कि हमें हमारे नेशनल, हमारे जो फॉरेन रूल्स से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। विद द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडियंस बिकम एक्वेंटेड विद द वेस्टर्न लिटरेचर, थिंकिंग एंड फिलोसफी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और कहना कि इंडियंस अब समझने लग रहे हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ के उनकी थिंकिंग, उनकी फिलोसफी कैसे हैं कि ब्रिटिशर्स की थिंकिंग कैसी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो यंग जो पीपल्स है जो कि इंग्लिश एजुकेशन को स्टडी करते हैं, उन वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स कैस की क्या थिंकिंग रहती है, उनकी क्या फिलोसफी रहती है। वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस इंडियंस टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। और ये वेस्टर्न एजुकेशन जो लॉर्ड मैकॉले के हिसाब से ऐसा था कि ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, बट ये थोड़ी उल्टी पड़ गई। ये इनको नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के मतलब सिखाने लगी। और कहीं ना कहीं जो लीडर्स जो पढ़ लिख रहे थे या फिर जैसे पर्सन पढ़ लिख रहे थे, वो एक ऐसे इंडिया का सपना देख रहे थे जहाँ पर लोग एवरी वन वुड बी इक्वल, नेशनलिज्म की फीलिंग आए, एवरी वन इज इंडिपेंडेंट और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म। ओके, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट्स। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑल्सो टुक प्लेस। एज रिजल्ट इंडियन केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, द रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंग्लैंड, दिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इटली, जर्मनी, रोमानिया एंड सर्बिया इंस्पायर्ड इंडियंस फॉर द स्ट्रगल फॉर देयर। अब जब पढ़ाई करी उन्होंने, तो उन्होंने अदर कंट्रीज के अलग अलग अदर जो अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज में जो मूवमेंट्स हो रहे थे, चाहे वो इटली के फ्रीडम की बात हो या जर्मनी की या रोमानिया की या सर्बिया की, इन सब वहां पर जब वहां पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये फीलिंग आने लगी कि हमें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें भी अपने राइट्स के लिए इनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इंडियंस को इंस्पायर कर रहा था कि अपने मदरलैंड के लिए कैसे फ्रीडम के लिए हम काम करें। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। आफ्टर द ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन इट्स रूल इन इंडिया, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट वर डेवलप्ड इन इंडिया। जस्ट आफ्टर द एक प्रॉपर तरीके से ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन या फिर एक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हो गया। लाइक रेल्स, टेलीग्राफ हो गई, पोस्टल सर्विस हो गई, रोड्स हो गए, ब्रिज हो गए एक्सेट्रा, इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हो गए। और उस समय ब्रिटिशर्स का मेन इंटेंशन ये था कि जो ब्रिटिश एम्पायर को ज्यादा से सिक्योर्ड करना एज वेल एज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना इंडियंस का। एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप इट बेनिफिटेड इंडियंस ऑल्सो, बट लाइक जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ तो इंडियंस को भी ये बेनिफिट करने लग गया। द मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिकम इजियर, विच रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो इंडियंस है तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द एरियाज में जाने लग गए, वहां पर अदर लीडर्स से मिलने लग गए, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट बहुत ईजिली होने लगे, अपने आइडियाज, अपने व्यूज अदर जो लीडर्स थे उनके साथ एक्सचेंज होने लग गए। Therefore, the development of transportation communication system indirectly helped Indians to unite in one bond. कहीं ना कहीं जो communication system जो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए establish किया था वो Indians को भी benefit कर गया और Indians को unite कर गया। Impact of ancient Indian culture. In the 19th century, there was a search for the ancient Indian literature. With the help of Indians and Western scholars, many important books were translated in English from Sanskrit. The scholar like Max Muller, William Jones, Hariprasad Shastri, Ramkrishna, Gopal Bhandarkar, Rajendra Lal Mitra, Mahadev Govind Ranade wrote many books on subjects of Indian cultures and literature. Or लाइक जैसे कि जो इंडियन कल्चर है या एंशियंट इंडियन कल्चर है, इनकी बुक्स जो थी वो संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दी, जिससे कि
इंडियंस की इन राइटिंग्स की वजह से इंडियंस को काफी एक अच्छा ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा उनके माइंडसेट पे. इट डेवलप्ड हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम अमॉन्ग इंडियंस. कहीं ना कहीं इंडियंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना स्टार्ट हो गया. नाउ सेवन पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा, इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर. ओके, ये कहीं ना कहीं इस चीज ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला, स्पेशली द न्यूज़पेपर्स. Newspapers and Indian literature contributed a great deal in national awakening. Okay, the writings of the Bankim Chandra Chatterjee, Dinbandhu Mitra, Bharatendu Harishchandra, D.L. Roy, and Rabindranath Tagore had very important role in national awakening. Okay, ये सारे writers थे, इन्होंने अपने literatures लिखे, तो कुछ ने अपने newspapers start किए, like Anand Math, written by Bankim Chandra Chatterjee, and his song Vande Mataram became the source of inspiration for the youngster of the country. Like Bankim Chandra Chatterjee ने अपना song लिखा जो कि आज हमारा national song है Vande Mataram, उसने काफी youngsters को inspire किया. Anand Math defeated the political and economic shortcomings of British rule. Anand Math ने जो book लिखी उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियंस पर जो एक्सप्लॉटेशन हो रहा था ड्यू टू द ब्रिटिश रूल और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन में जो कमी ला रहे थे ब्रिटिशर्स विद द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल्स, उसके बारे में दर्शाया था. जो कि एक प्ले था नील दर्पण, एक और ऐसा प्ले था नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखा था. उन्होंने इंडियन लेबर्स और इंडियन को फार्मर्स के लिए प्ले लिखा था, उनके साथ क्या एक्सप्लॉटेशन और उन्होंने क्या क्या सहा इसके बारे में लिखा था. लक्ष्मीमान बेजू बोरा आसामी एंड अल्ताफ हुसैन हाजी उर्दू वेर द राइटर्स ऑफ द नेशनलिस्टिक लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड. और इसी दौरान लक्ष्मीमान बेजू बोरा और अल्ताफ हुसैन हाजी इन्होंने भी नेशनलिस्टिक लिटरेचर इस दौरान लिखे. ओके, द एनालिटिकल रिव्यू ऑफ द ब्रिटिश रूल्स वेर बीइंग प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर. और न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स रूल कैसे ये लोग हम पर शासन कर रहे हैं इसके बारे में इसमें जिक्र था. जैसे कि लाइक जो उस समय के इंडियन न्यूज पेपर थे वो थे संवाद, कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, बाम्बई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पेट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन एसेट्रा, जो कि उस समय के फेमस न्यूज पेपर थे जिन्होंने नेशनल को अवेक करने में बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. प्रेस डेवलप्ड इंडियन कॉन्शियसनेस एंड गेव पॉलिटिकल टीचिंग्स टू इंडियंस. कहीं ना कहीं प्रेस में जो डेवलपमेंट हुआ उससे इंडियन को कॉन्शियसनेस आना स्टार्ट हुआ, एज वेल एज कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल टीचिंग्स भी इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू उन्हें मिली. द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. Dissatisfaction arise from the economic exploitation with the establishment of British Empire and the Industrial Revolution in England. Indian cottage industry suffered a blow. On the goods exported from India, a heavy tax was levied on them in foreign market, whereas imposed goods from England were made tax free to sell in Indian market. This made the money flow out of the Indian and destabilized the economy. This drove the Indians to struggle against the economy slavery. कहीं ना कहीं economically बहुत ज़्यादा effect पड़ा Indians पे. For an example, England में industrial revolution हुआ जहाँ पर Indian जो cottage industry से जो cloth या textile आता था उस पर ban लगा दिया था. अब उस समय इंडियन जो टेक्सटाइल था वो अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फेमस था. तो इंग्लैंड वालों ने क्या करा कि कोई किसी को भी इंडियन से कोई भी सामान मंगाना तो उस पर बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगा देते थे, जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे वो इंडियन से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करवाते थे, वो यूरोपियन कंट्रीज से ही एक्सपोर्ट कराते थे. इसके साथ साथ जो चीज इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होती थी और उसको वो इंडिया में इम्पोर्ट करवाते थे तो उसमें वो लोग टैक्स फ्री कर देते थे. तो अब उल्टा होने लग गया था कि इंडिया में इंडिया की चीज नहीं बिक रही थी बल्कि इंग्लैंड की बनी हुई चीज बिक रही थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ा सेटबैक पड़ा. बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद हो गई एंड बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, और जिससे कि बहुत ज्यादा सेटबैक लगा इंडियन इकोनॉमी. द पॉलिसी ऑफ रेकियल डिस्क्रिमिनेशन. रेकियल डिस्क्रिमिनेशन किसी ऐसा टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो कि किसी के स्किन के कलर के हिसाब से किया जाए. ओके, ब्रिटिश यूज टू सो रेकियल डिस्क्रिमिनेशन अमंगस्ट इंडियन अगेंस्ट इंडियन. दे कंसिडर देमसेल्फ एज सुपीरियर रेस. वो अपने आप लाइक देवर उनका जो कलर था फेयर था तो अपने आप का जो सुपीरियर क्लास या सुपीरियर रेस माना जाता वो लोग कंसिडर करते.
थे। दे यूज टू लुक डाउन अपॉन इंडियंस एंड यूज टू मिसट्रस्ट दैम, और वो इंडियंस को बहुत ही गलत नज़र से या फिर कहते हैं ना एक अपमानजनक नज़र से देखते थे, उनका डिसरिस्पेक्ट करते थे। द टैलेंटेड एंड द एजुकेटेड इंडियंस वर नॉट कंसिडर्ड केपेबल फॉर गवर्नमेंट पोस्ट फॉर हायर रैंक्स। इसके साथ साथ जो टैलेंटेड और एजुकेटेड इंडियंस थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी ऑफ अदर कंट्रीज से विद इन इंडियन कंट्रीज, उनको हायर पोस्ट नहीं दी गई उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, एक टेंडेंसी क्रॉप्ड अप अगेंस्ट द इंडियंस हु वर सक्सेसफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू बी डिनाइड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्क्रेटेड फॉल्ट्स। और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती थी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, वहाँ पर इंडियंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था किसी भी अदर रीजन की वजह से, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं देखे, जस्ट बिकॉज देयर इंडियंस को रिजेक्ट कर दिया जाता था। पीपल लाइक सुंदरनाथ बनर्जी एंड अरविंद घोष बिकेम द विक्टिम्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और उस दौरान लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंद घोष, जो कि काफ़ी अच्छे एजुकेशन उनकी अच्छी थी और उन्होंने काफ़ी सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उस समय दी थी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ताकि वो इंक्लूड हो सके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, बट लेकिन उनको बिना किसी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, उनको उस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओके, इस दौरान एक एल्बर्ट बिल आया था। ओके, द वाइसरॉय लॉर्ड रेवन अटेम्प्ट टू मेक ए बिल टू एबॉलिश द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, इसी दौरान लॉर्ड रेवन थे जो कि उन्होंने जो इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन देखा उस वजह से उन्होंने एक बिल यानी कि एक लॉ बना के पेश किया गया ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रोका जाए। ओके, जिसका कि नाम दिया गया उस बिल को एल्बर्ट बिल। ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एल्बर्ट बिल। ओके, According to this bill, an Indian magistrate and session judge were given entitlement to hear criminal cases against European. जिसके तहत कोई भी लाइक इंडियन मजिस्ट्रेट, अगर वो इंडियन मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर है, बेसिकली जो जज होता है इंडियन मजिस्ट्रेट या फिर कोई सेशन जज, उसके पूरा हक है वो कोई भी क्रिमिनल केस अगेंस्ट द यूरोपियंस वो उसका फैसला कर सकता है। ओके, यानी उस पोजिशन में वो बैठ सकता है एज एन इंडियन, कोई भी इंडियन मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज उस पोजीशन में बैठ के किसी यूरोपियन के अगेंस्ट कोई भी केस का जजमेंट दे सकता है। ओके, नाउ जैसे ही ये बिल इंडियन मजिस्ट्रेट्स के ऊपर जैसे ही ये लागू किया गया, सो प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिल इंडियन मजिस्ट्रेट्स वर नॉट ऑथराइज्ड टू हियर केस अगेंस्ट यूरोपियन क्रिमिनल्स एंड एल्बर्ट बिल वॉज अ स्टेप टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अगेंस्ट द इंडियंस। और कहीं ना कहीं ये जैसे भले ये बिल तो लागू कर दिया गया बट लेकिन इसको ब्रिटिशर्स ने अपनाया नहीं, जो हमारे इंडियन ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनाया नहीं, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने किसी इंडियन मैजिस्ट्रेट या सेशन जज को अपॉइंट ही नहीं करा किसी यूरोपियन हियरिंग में। ओके, मतलब यूरोपियन हियरिंग यानी कोई ऐसा पर्सन जो कि शायद क्रिमिनल केसेस में कोई यूरोपियन ही इन्वॉल्व हो, उसमें किसी इंडियन जज को बैठने ही नहीं दिया कि वो हियरिंग कर सके। ओके, जितने भी यूरोपियन जो कि इंडिया में सेटल हो चुके थे उन्होंने कलेक्टिवली प्रोटेस्ट किया इस बिल के अगेंस्ट और उसको ऐसे कहा गया कि ये ब्लैक रूलिंग है, और एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस लॉ को वापस से लेना पड़ा इस लॉ को, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे इंडियंस का एडवर्सली इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिप्टन वाज रैपिडली डिस्क्रिमिनेशन इन नेचर। लॉर्ड लिप्टन रिक्रिएशनरी पॉलिसी कंटिन्यूड फॉर 4 years from 1876 to 1880. During this period, he expanded British cloth from any kind of taxes. Instead of providing relief to the drought victims, he organized darbar in the honor of King Victoria. He levied license fees for Indians to keep weapons, introduced Vernacular Press Act for the suppression of the newspaper in local language. इसके साथ साथ उस दौरान लॉर्ड लिप्टन उन्होंने काफी रेकियल डिस्क्रिमिनेशन किया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1876 टू 1880. उन्होंने ब्रिटिश क्लॉथ पे किसी भी काइंड ऑफ टैक्स नहीं लगाया पर लेकिन इंडियन क्लॉथ पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। फिर उसके साथ साथ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत सूखा पड़ा हुआ था तो वहां पर ध्यान ना देते हुए जो इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया आई थी उनके लिए काफी सारे दरबार सेटअप किए गए इन दिल्ली में। इसके साथ साथ जो इंडियंस जो उस समय वेपन्स रख रहे थे तो उसका क्या लाइसेंस इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लग गए। फिर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट बना दिया गया जिसमें कि लोकल लैंग्वेजेस में आप कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं कर सकते। सो ये सारी चीजें उन्होंने करी। दिस वे इनिशियली द रीऑर्गेनाइजिंग
in India took place through social and religious reform movements, and these movements were instrumental in sowing seeds of self-respect and patriotism and economic and political vision strengthened the nationalism. और कहीं ना कहीं इन सारे कारणों की वजह से all from the social, religious, economical, racial discrimination, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियंस है वापिस से रीअवेक हुए फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम कंटिन्यू करेंगे.